दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक टीम जो आई है एम्स से, जी हाँ लोग उसका जानना चाहते हैं कि आखिरकार इतना वक्त लगा लेकिन अब तक रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आई है, आखिर कब आएगी सुशांत की फोरेंसिक रिपोर्ट और क्या होगा उस रिपोर्ट में। ये जो सवाल है ये कॉन्स्टेंट लोगों के मन में है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सबको पता है कि उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट है वो 17 तारीख को आने वाली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा है। जी हाँ इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई डाइस ही नहीं होगा कि या तो ये हुआ है या तो वो हुआ है, 50-50% नहीं रहेगा, इसमें क्लियर कट पता चल जाएगा आखिरकार सुशांत के साथ क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूँ फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले जो CBI की टीम है, जी हाँ उनके हाथ सबूत लगा है और उनका जो है वो दावा है, जी हाँ ये अगर मैं बताऊँ तो हमारे सोर्सेज ने भी हमें बताया और साथ ही में टाइम्स नाउ के भी सोर्सेज ने टाइम्स नाउ को बताया कि ये जो है ये होमिसाइड है। जी हाँ ये सुशांत का मर्डर नहीं है बल्कि उनसे ज़बरदस्ती उनको जो है वो मरने पे मजबूर किया गया है, ये होमिसाइड है। और जो ये जो है ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे बाहर आएगी वो आपको पता चल जाएगा। और इनकी अगर मीटिंग की मैं बात करूँ तो 17 सितंबर, जी हाँ दोस्तों बस कुछ ही दिनों में इनकी मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी सीधा पता चल जाएगा आखिरकार सुशांत सिंह को किसने मारा और किस तरीके से मारा और किसके लिए मारा गया। जी हाँ उसके बाद पता चल जाएगा कि ये सुसाइड नहीं है। जो लोगों ने थ्योरी देखी थी सुशांत के जो फैन थे वो पहले से कहते थे कि ये जो है ये डेफिनेटली इधर होमिसाइड है और ये एल्स ही मर्डर है, बट ये सुसाइड नहीं है। और फाइनली अब जब CBI की फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो आप सबको पता चल जाएगा आखिरकार सुशांत का होमिसाइड भी हुआ है। सो ये बहुत बड़ी खबर है, सोर्सेज के हिसाब से बोले तो उनका यही मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जी हाँ होमिसाइड भी हुआ है। इट्स नॉट मर्डर, इट्स नॉट सुसाइड, बल्कि इट्स होमिसाइड। सो गाइस अब देखना ये होगा आखिरकार 17 तारीख को कितने रात खुलेंगे और क्या क्या चीज़ें सामने आने वाली है। सो आप लोग तैयार हैं बिकॉज 17 तारीख को कुछ भी हो सकता है।